बच्चन साहब ने मुझे इंडस्ट्री में लेके आए, मन में एक रहता है कि कुछ करना है, कुछ करना है, वो बहुत बड़ी बात रहती। ख्वाहिश यही है कि बस गाना ऐसा हो कि प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों फिर डरता है दिल। ये ऐसा फनकार हमारे देश में है, 8-8 घंटे हमने रियाज किया है। भूलने वाले से कोई कह दो जरा, जो मिलता गया वो सर झुकाते रहे। हम लोग 18 साल में ऐसे चक्रों में फंसा दिया गया था। रब की मेहरबानी थी, मुझे पता था कि मैं जीतूंगा। शुक्र यह रहा कि मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। तो मेहनत वो मेरी मतलब मेरी बॉडी में। सारी दुनिया हमें पहचानती है, हम कितने तनहा हैं वो किसी को पता ही नहीं। ये सांसें आपने दी हैं और कृपा ये रखना कि बस मेरी लाज रख लेना। विश्व में जो करोड़ों फैंस जो फैले हुए हैं वो सब इन्होंने मुझको दे दिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, वो दुख कदे भी नेड़ ना आवे, मौत भी डर बज जाए। म्यूजिक इंडस्ट्री अगर शतरंज है तो उसके जो बादशाह हैं, उसके बिसात के, वो मेरे ख्याल से दलेर पाजी हैं। क्योंकि जहां लोगों के सुर छूट जाते हैं वहां से वो सुर उठाते हैं, और कहां लेके जाते हैं वो आपके दिल तक लगती है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कम इतनी अच्छी बात, बहुत देर बाद, बहुत खुशी, बहुत प्यारा बोला आपने। नहीं पाजी, आप पहले तो मैं ना गले मिलना चाहता हूँ पाजी, क्योंकि सीरियसली ये दिल से निकल रहा है आपके लिए कि ऐसा फनकार हमारे देश में है। थैंक यू। ऐसे दुर्लभ आपकी जो आवाज़ है वो लोग मिल नहीं सकते। शुक्र। और हम तो बोलना नहीं चाहिए, मेरा बचपना आपके गानों से, आप अभी भी मेरे से यंग लग रहे हो, लेकिन आपने हमारा बचपना बनाया है। हमें आपकी धुनों में, वो खुशगवार जो धुनें हैं उसमें नाचना गाना और इन्जॉय करना सिखाया है आपने। वाह वाह वाह, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये सब आपका प्यार है और रब की मेहरबानी। मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब, मेरे मम्मी, मेरे पिता, उन्होंने मुझे बचपन से कहा यही था कि हमारा बेटा सिंगर है। कभी मुझे, मैं 5 साल का था, मैंने 5 साल की उम्र से ये सुनता आ रहा था कि बेटा हमारा सिंगर है। तो बहुत सारी दुआएं लगती हैं आपको। और उसके बाद हमने ये भी रब की मेहरबानी की, हम लोग अपने जो चाल चले हैं वो भी बड़े आराम स्मूथ से चले, मतलब सर चढ़ा के नहीं चढ़े। जो मिलता गया वो सर झुकाते रहे और झुकते रहे। तो यही वजह है कि लोग इतना प्यार करते हैं, और गानों में जो असर नज़र आता है, हमारे काम में असर नज़र आता है। तो ये सारी मेहरबानी है गुरु नानक साहब की, और आप सब जितने लोग हैं, आप सबका प्यार और फैंस। पाजी, हमारे जैसे फैंस जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पाजी इतने चूजी क्यों हैं, कम क्यों गाने गा रहे हैं। मतलब एक समय, मतलब पॉप कल्चर इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस अगर किसी ने किया वो दलेर पाजी ने। आज दलेर पाजी वैसे गाने क्यों नहीं बना रहे हैं जिसकी, क्योंकि अब वो गाने आज भी वो ज़रूरत है और आज भी हर किसी के ज़बान पे हैं, जहन में है। अब ये बड़ी सच्चाई, अच्छा बोला आपने। हम लोग एक्चुअली आप सबके सामने जग जाहिर रखे, हम लोग 18 साल में ऐसे चक्रों में फंसा दिया गया था कि जहाँ पे मेरे पे इल्ज़ाम ऐसा लगा दिया, और मैं उसमें 18 साल जूझा हूँ। और समझो कि एक महीने के अंदर मैं 2-2 डेटें भुगतने जाता था पटियाला में। जाओ वहाँ से पहले फ्लाइट लेके चंडीगढ़ जाओ, वहाँ से आप बाई रोड जाओ, फिर आपके साथ सिक्योरिटी आपको चाहिए। तो आप समझो कि 18 साल हम लोग हर महीने में 2-3 बार 4 हैं, तो कैसे हालात चले होंगे हमारे पे। लेकिन रब की मेहरबानी थी, मुझे पता था कि मैं जीतूँगा, और उस चीज़ को मैंने बड़े प्यार से हंसते हुए झेलता रहा। और ये सारा ध्यान जो उसी तरफ भरा घुस गया, अब हम लोग इसमें से निकल गए हैं बाहर। माननीय हाई कोर्ट ने इतनी इज्जत बख्शी हमें, अब हम लोग, आप देखोगे कि गड़बड़ गाना रिलीज़ हो रहा है, 26 को आवाना लव रिलीज़ हो रहा है, फिर फरवरी में दूसरा गाना। अब हमारे पास 100 गाने हैं ना, बिल्कुल रेडी हैं, वो सब आप सबके लिए हैं, मज़े आने वाले हैं, खूब मस्ती और एंजॉय। मतलब वो जो आपकी प्रसिद्धि जिस तरीके से पहुंची देश विदेश में, मतलब उस समय आपके अनडाउटेडली सबसे बड़े किंग आप थे,
वो कहीं ना कहीं आपको उस शतरंज के बिसात में वो जो किंग होता है उसको बिछाने के लिए इर्द गिर्द सब छोटे प्यादे और ये सब बिछाएगा। सब लोग कोशिश तो बड़े लोगों ने की, लेकिन कहते हैं जो जो रब जिसके पीछे रब होना, वो तो हमने साक्षात खुद ही देख लिया। हर इतनी मुश्किलों से बाहर इतने हंसते हंसते खड़े रहते बस ये रहा। और आपकी फिल्म में पाजी मतलब पोस्टर में दिख रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत एक नज़ारा है कि पाजी का होना ही अलग लेवल पे लेके जा रहा है फिल्म को। जब मैं बोलता हूँ कि आवाज़, तो आवाज़ ऐसी है कि वो मैं शुरुआत में ही बोला कि मैंने अभी देख रहा था रिचा दीदी एक गाना गा रही थी माही वे, और जहाँ उनका सुर छूट रहा था वहाँ से पाजी ने शुरू किया और वो कहाँ पहुँचाई पाजी, मतलब ये ऊपर वाले की मेहर है। मैं उसकी मेहर है, क्योंकि जब भी मैं गाना गाता हूँ कई बार स्टेज पर जाता या गाना रिकॉर्ड करने लगता हूँ, तो मैं रब के हाथ बहुत घबराता हूँ और रब से बोलता हूँ कि ये सांसें आपने दी हैं और कृपा ये रखना कि बस मेरी लाज रख लेना, मैं जो गाना चाहता हूँ उसको असरदार और आवाज़ निकले यहाँ से, क्योंकि ये कब ट्विस्ट कर जाए आवाज़ उसके हाथ में। तो हम लोग हरदम वही रब से डर के गाते हैं, शुक्र है बस फिर गाते हैं। आप कितना सर, आपको कैसी खुशी मिल रही है जब ऐसा, मतलब इनसे बड़ा इंडिया में लाइव परफॉर्मर तो है नहीं, और जब आपके फिल्म के पोस्टर में वो दिख रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए हम लोगों ने ये पता नहीं ईश्वर कृपा से ऐसा काम हो गया कि अभी भी मैं कहूँ मुझे मतलब एक समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी कैसे व्यक्त करूँ। 20 को ये सिनेमा रिलीज़ हो रहा है, मुझे अभी भी अपना वो समय याद है जब साइकिल पर मैं 38 किलोमीटर रोजाना चलाता था, पढ़ने जाता था, और तब बोलो तारा जोर से गाते हुए जाते थे। कभी जीवन में नहीं सोचा था मुझे कभी मैं सिनेमा बनाऊंगा, उसमें दिलेर भाई गाना गाएंगे, मुझे उन्हें डायरेक्ट करने का मौका मिलेगा। सब छोड़ो, मैं एक दिन उस शख्स के साथ बैठ के मैं ऐसे पीसी में बात कर रहा हूँ, तो ये दिन मैंने मतलब आई नेवर थॉट इन माई लाइफ। होता ना आप कभी ड्रीम भी देखते हो, तो मैंने कभी इतना बड़ा सपना भी नहीं देखा था। उसके लिए शुक्रिया सबसे पहले ऊपर वाले का, शुक्रिया दलेर पाजी के प्यार का, इन्होंने जितना जगह हमें दी अपने दिल में, अपने अपने जो इनका संगीत का जोन है, क्योंकि जब बड़ा आर्टिस्ट आता है तो वो केवल दलेर मेहंदी नहीं आए, दलेर मेहंदी के जो विश्व में जो करोड़ों फैंस जो फैले हुए हैं वो सब इन्होंने मुझको दे दिए अपने, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुझे पता नहीं मैं कितना निभा पाऊंगा या निभाया मैंने, लेकिन मेरे पास तीन ही सब शब्द हैं, शुक्रिया 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 शेरे पंजाब के ही आए। पाजी ये देख रहा हूँ, मुझे वो दौर याद आ रहा है कि अमिताभ बच्चन से लेके सनी देओल से लेके बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म को जब हिट करवाना होता था तो पाजी का उसमें कैमियो होता था, गाना होता था, मुझे आज भी याद है वो दौर कभी याद आता है। और क्या फिर से पाजी को हम उस दौर को रिपीट करते हुए देखेंगे, वो हिस्ट्री रिपीट होगी? मुझे रब पे बहुत यकीन है, जब तक जो अभी हमने नाम कमाया है मुझे लगता है अभी इससे 4 गुना आगे नाम होगा, कि एक एक ना मन में एक रहता है कि कुछ करना है, वो बहुत बड़ी बात रहती। जब ना कि बहुत कुछ हो गया है ही नहीं, अभी कुछ करना है, तो वो हमारे मन में हरदम ये लगन रहती है अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो बस कमाल होने वाली है। भाजी मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है और बहुत सारे मेरे जैसे बहुत लोगों का मानना होगा, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जितना आपने काम किया, जितना नाम आपने किया है, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, जो डिज़र्व करते हो, वो शायद अभी मिली नहीं है, आपको लगता है? लोगों की नज़र में तो बहुत कुछ हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और मेरी फैमिली की तरफ से भी उनको है कि बहुत कुछ हो गया, और दूर नज़र भी आता है, क्योंकि आज 2023 चल पड़ा है, आप कहीं भी अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई बर्थडे पार्टी हो रही, कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें मेरे 6 गाने बजने, तो फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से कि बहुत बड़ा कर दिया, हो रहा है, और मुझे भी लगता है कि हमने कुछ नई मंजिलें अभी करनी है, तो होगा अभी बहुत कुछ होगा। कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल में है? ख्वाहिश बताऊँ तो दिल में कोई ख्वाहिश कुछ नहीं है, क्योंकि हर तरफ से रब ने बहुत सारी खुशियाँ दे रखी हैं। ख्वाहिश यही है कि बस गाना ऐसा हो कि पक्षी रुक जाए, पंछी रुक जाए, तो ऐसा शायद रियाज करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा अभी,
मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरफ लगे हुए हैं। अजी मतलब अगर आप ये बोलोगे कि आपको रियाज करना पड़ेगा और आपकी, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वो जो आवाज़ है वो जब आपके मुख से निकलती है, कंठ से निकलती है, तो दिल पे सीधा लगती है जी। तो वो आदमी ये बोले तो रियाज की बात। और मैं जानता हूँ कि आपने बचपन में गुरुद्वारे से लेके और ये जो इस मुकाम पे पहुँचे हो, ये बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। याद आता है कि वो जो जर्नी है इतनी कमाल निकल के आई? वो जर्नी तो मैं तो ये ना कि शुक्रिया रहा कि मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। बचपन में कीर्तन बहुत अच्छा मिल गया, कीर्तन की वजह से खूब पैसा भी मिल गया। आदमी क्या चाहिए, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, यही चाहिए होता है। तो बचपन से मैं बहुत अच्छा मिलता रहा सिर्फ गाने की वजह से। और 16 साल की उम्र में हम लोग चले गए USA, तो 86 से लेके 90 तक वहाँ रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, सब कुछ देख लिया। तो उसके बाद आगे देखने के लिए क्या, तो दिया तो हमने सब कुछ है और स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। और इंडस्ट्री में आए तो बच्चन साहब ने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो बच्चन साहब ने मुझे इंडस्ट्री में लेके आए। तो कुछ ऐसा कोई दुख तो देखना पड़ा नहीं, लेकिन हाँ 8-8 घंटे हमने रियाज किया है, गाने को सीखा है, गाया है, बहुत मेहनत की। और अभी भी हम लोग अगर दिल्ली में, ज़्यादा बेस दिल्ली है, तो हम लोग समझ लें कि हफ्ते में 4 दिन तो ग्रुप के साथ बैठ के रिहर्सल करनी है, और मुझे अपना आधा घंटा रोज़ बैठना ही बैठना अपने गाने के लिए। तो मेहनत 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 वो मेरी, मतलब मेरी बॉडी में वो लगा रहता है बस। अजी अगर आपके ऊपर ज़िंदगी के ऐसा कोई गाना हो जो आपको एक्सप्लेन करे, मतलब ये लगता हो कि ये गाना मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, कौन सा गाना? ओह, सारी दुनिया हमें पहचानती है, सारी दुनिया हमें पहचानती है, कोई हम सा भी ना तन्हा होगा, राज हर रंग में रुसवा होगा। मुझे मालूम कि पूरे अर्थ में मैं कहीं भी चला जाऊं, सारी दुनिया मुझे जानती, जो भी मजहब धर्म लैंग्वेज का आदमी हो वो मुझे जानता है, पर हम कितने तन्हा हैं वो किसी को पता ही नहीं। मतलब ये पाजी आपने इस गाने में बहुत कुछ कह दिया। वाह। और जल्दी जल्दी, क्योंकि आप मिले हो और आपसे कुछ गानों की बात ना हो, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, आपके जहन में जो उस वर्ड से लेके गाना आए वो आप मेरे को गा के बताइए। सबसे पहले प्यार। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों फिर डरता है दिल। दोस्ती। दोस्ती की सिर्फ दोस्त या सिर्फ दोस्त? दोस्त भी चलेगा। ओके। आप बताएं कि तुझे कैसे जिया जाता है, आप बताएं कि तुझे कैसे जिया जाता है। ब्रेकअप के ऊपर अगर कोई, ब्रेकअप के ऊपर भूलने वाले से कोई कह दो जरा, इस तरह याद आने से क्या फायदा, जब मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं, फिर ख्यालों में आने से क्या फायदा, भूलने वाले से। और आखिर में वो शब्द जिससे दुनिया ही शुरू होती है, माँ, उसके लिए कौन सा? माँ, मायने मेरी है जूंदे रवे तू, तेनू मेरी भी उम्र लग जाए, वो दुख कदे भी नेड़ ना आवे, मौत भी डर बज जाए, मायने मेरी है। थैंक यू पाजी, आपने इतना बहुमूल्य वक्त दिया, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप मिलते रहें, इसी तरीके से हम आपको सेलिब्रेट करते रहें। आपके इतने सारे फैंस जो इस समय आपको देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहिए?
सत श्रीकाल, मैं हूँ दलेर मेहंदी और आप सबका प्यार, आपकी मेहरबानी कि आप हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसी तरह गुनगुनाते रहिए और बहुत जल्दी जिंदगी शतरंज है और आपसे गुजारिश है कि गड़बड़ गड़बड़ ये गाना भी देखिए, मूवी भी देखिए। गॉड ब्लेस यू, रब रख। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत जो बातचीत हमने की आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच, आपने बहुत कमाल कमाल के ही क्वेश्चन थे तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। लव यू पाजी, थैंक यू।